झारखंड में मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब धीरे धीरे सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। आपको बताते चलें कि उपचुनाव को लेकर कुल 19 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। वैसे मुख्य तौर पर देखें तो कांग्रेस प्रत्याशी नेहा शिल्पी तिर्की, भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर, इन्हीं के बीच में मुकाबला होने वाला है। वैसे पिछली बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले देव कुमार धान इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। चलिए आज हम आपको बताते हैं कांग्रेस की नेता नेहा शिल्पी तिर्की के बारे में और उनकी दौलत के बारे में। नेहा शिल्पी तिर्की की चल और अचल संपत्ति का जिक्र करेंगे तो नेहा के पति सन्नी जेम्स के पास 42,71,000 रुपए की अचल संपत्ति है। वहीं शिल्पी के पास 23,84,000 रुपए की अचल संपत्ति है। नेहा के पति के पास एक मारुति स्विफ्ट कार है जिसकी कीमत 7 लाख रुपए है, लेकिन शिल्पी के पास कोई वाहन नहीं है। वहीं शिल्पी या उनके पति के पास कोई खेती योग्य भूमि नहीं है। खैर, शिल्पी ने अपने ब्यौरे में बताया है कि उनके पास नगद 1 लाख रुपए हैं, जबकि पति के पास 10,000 रुपए हैं। इसके अलावा शिल्पी पर लगभग 5 लाख रुपए का कर्ज भी है। तमाम और खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं द आईटीपी न्यूज़।